अरे भाई जी, अरे भाई जी हाथ मिला यार, भाई जी हाथ मिला यार, भाई जी क्या हाल चाल भाई जी तुम्हारा, सब बढ़िया? और भाई जी हाथ मिला यार भाई जी, और सिंगड़िया अच्छा अच्छे अरे क्या लगा है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है रुमसी गांव। तो आज हम रुमसी गांव को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि रुमसी गांव कैसा है। और अभी देख रहे हो, अभी मैं फ़िलहाल रोड पे खड़ा हूँ। रोड से यहाँ पर से जाता है गांव जाने का रास्ता। सीधा दिखाऊँ तो रुमसी के काफ़ी नीचे आपको दिख रहा है फील्ड है वो अगस्तमुनी का, और वो पूरा एरिया जो दिख रहा है आपको वो पूरा अगस्तमुनी है। तो यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है अगस्तमुनि का, ज़्यादा काफ़ी मतलब छोटा दिख रहा है अगस्तमुनि यहाँ से क्योंकि हम काफ़ी ऊपर हैं। और ये है गांव में जाने का रास्ता। और आपको बता दूं कि रोड से जो गांव की दूरी है मैक्सिमम 100 मीटर के आसपास है। यहाँ पर खेत है, ठीक है, और खेतों के बीच में बसा हुआ है रुमसी गांव और ऊपर साइड पूरा पहाड़ है। और रास्ता खेतों के बीच से निकलते हुए जाता है गांव की तरफ। शुरुआत में पड़ जाती है गांव के स्कूल। ये प्राइमरी स्कूल है जो देख रहे हो आप, सरकारी स्कूल। और यहाँ के बच्चे देखो कैसे देख रहे हैं मुझे। और क्या हाल चाल जी? अरे भाई जी हाथ मिला यार, भाई जी हाथ मिला यार, भाई जी क्या हाल चाल भाई जी तुम्हारा, सब बढ़िया? और भाई जी हाथ मिला यार, भाई जी और सिंगड़िया अच्छा अच्छे से अरे क्या लगाया तूने अरे सिंगड़िया। और भाई जी तो ये है छोटे छोटे बच्चे, कितना इम्पोर्टेंट तुम, तीन माँ चार माँ, ओ भाई मैं भी तीन माँ, क्या बात क्या बात। और ये है छोटे बच्चों की स्कूल। ए भाई या और जी ये का लोड़ी जी लोड़ो हाँ हाँ बिल्कुल नीला छिन्न है ये भाई, ये देखो भाई तो ये रास्ता निकलता है बिल्कुल गांव के बीच से होके। और यहाँ पर मुझे कुछ छोटे छोटे से बच्चे दिख रहे हैं रास्ते में। हाँ ये काफी बड़ा चौक है भाई, देख रहे हो ये चारों तरफ से घर ही घर है। और ये काफ़ी बड़ा चौक है जहाँ पर शायद से कोई रामलीला होती होगी या कोई पूजा का स्थान होगा क्योंकि गांव में सबसे बड़ी जगह यही है यहाँ पर। और चारों तरफ से जो घर है उन पे ताल लगा है, शायद से यहाँ के लोग चले गए हैं गांव को छोड़कर, इसलिए सब घरों पे ताला लगा हुआ है। देख रहे हो आधे जा घरों पे ताला लगाया गया है। देख रहे हो गांव कुछ ऐसा है भाई, काफी खूबसूरत सा गांव है। पर आपको काफी पुरानी पुरानी चीजें दिख जाएंगी। yeah! Yo, bro! क्या वो भाई।
यहाँ पर काफ़ी पुराने पुराने घर हैं, मतलब काफ़ी पुराने ज़माने के घर हैं इस जगह पे, और नए घर भी बनाए गए हैं। मगर आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी तक जितने भी गांव में घूमा हूँ यहाँ पर लगभग उनसे भी काफ़ी पुराने पुराने घर हैं इस जगह पे, और काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप कोई भी इस गाँव में आते हो घूमने के लिए। और ये है गाँव की दुकान, देख रहे हो आप। ये देखे बोलन धारू धारू डिग्गी धारू बोलन धारू। छोटे छोटे बच्चे भर रहे हैं पानी, भाई स्कूल के बच्चे हैं। गांव के काफी रास्ते हैं गांव घूमने के लिए। आपको इस गांव में सबसे ज्यादा ऐसी मकानें दिखेंगे आपको सबसे ज्यादा। ये देखो भाई कितना बढ़िया है भाई घर, देखो आप कितना बढ़िया लग रहा है। और ये है घोरा क्योला भाई, ये था मोटा क्योला भाई से। ये देखो भाई काफी भयंकर लगे हुए केले भाई, यहाँ पर जैसे लग रहा है केलों की खेती होगी पूरी। काफ़ी अच्छी लोकेशन आती है जगह से, आप नीचे साइड भी देखोगे तो पूरा अगस्त में दिखता है, ठीक है ना। अगर इस साइड से देखो तो पूरा पहाड़ दिखता है भाई। तो काफ़ी ये गांव काफ़ी अच्छी लोकेशन बना हुआ है, काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आते हैं इस गांव से भाई। और आपको बता दूं यहाँ साथ ही साथ सरकारी स्कूल भी है और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल भी है इस गाँव में। ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्कूल्स यहाँ पर बनाई गई हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। अब जा रहा हूँ मैं गांव से नीचे और आपको बता दूँ कि इस गांव, ये गांव इतना बड़ा है कि यहाँ पर लगभग 200 या 250 ज़्यादा परिवार रहते हैं इस गांव में। इस गांव में दो रास्ते हैं गांव में जाने के लिए। अभी मैं दूसरे रास्ते से निकला हूँ, पहले वाला रास्ता थोड़ा आगे है यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर पे, और दूसरा रास्ता आधे किलोमीटर आगे है। ये देख रहे हो ये दूसरा रास्ता है जिस रास्ते में आया हूँ, और यहाँ पर आपको दुकानें भी दिख जाएंगी रोड के बगल पे। और उस रास्ते पे दुकान नहीं है रास्ते के यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गाँव में। ओके बाय, टेक केयर।